Hi everyone, I'm Simple on Simple Digital School. As we are already in the process of digital marketing lecture series, as we all have seen so many lectures on digital marketing till now, thanks to each one of you who is watching, who is subscribing my channel. This is a real motivation for me to work much better. Kindly give your comments in the comment box. Please suggestions पे दीजिए so that I can improve a lot. There are so many people who have told me to work upon on-page SEO in the comment box also. So today is the lecture on on-page SEO along with the demo. और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. नाउ On-page SEO refers to optimization of content for a particular target keyword with a single blog post or content of a web page. एक web page जो मेरी website का है, जब हम उसे properly optimize कर लेते हैं और targeted keyword को properly उस पे place कर देते हैं, so that is called as optimization of a web page. और हमें पूरी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं सबकी इंडिविजुअली अलग अलग ऑन पेज एसईओ करनी होती है. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और ऑन पेज एसईओ इंक्लूड करता है कि हम प्रॉपर हेडिंग्स को यूज़ करें, प्रॉपर कीवर्ड्स की प्लेसमेंट हो, और जितना भी कंटेंट हमारी वेबसाइट पे है या वेब पेज पे है वो एक क्वालिटी कंटेंट हो, कहीं से कॉपीड ना हो. और सारे पैरामीटर्स कौन से हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट इज गूगल एल्गोरिदम्स के नाम से लेक्चर है, यू कैन गो थ्रू द सेम ऑल्सो. नाउ जब भी हम किसी एक वेब पेज की ऑन पेज एसईओ करते हैं, वी हैव दीज चेकिंग पैरामीटर्स. सबसे पहले टाइटल टैग, ऑल्ट इमेज से रिलेटेड है, कीवर्ड्स का राइट प्लेसमेंट और कीवर्ड का करेक्ट फाइंड करना, हेडर टैग्स कैसे यूज़ करने हैं, क्या और कैसे कीवर्ड उसमें यूज़ होगा, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और इंटरनल लिंकिंग ऑफ अ वेबसाइट. नाउ विल हैव अ लुक टू दीज वन बाय वन. वी हैव अ डेमो ऑल्सो, सो विल हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ ऑल दीज. सबसे पहले टाइटल में कीवर्ड का होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. टाइटल जो आपके पेज का है, जो आपका एसईओ में टाइटल होता है, उसमें आपका कीवर्ड यूज़ किया हो, उससे आपकी रैंकिंग आती है. और उस कीवर्ड को आप जब यूज़ करते हैं टाइटल में, सो टाइटल कैन बी मैक्सिमम ऑफ 65 कैरेक्टर्स एज पर द रूल. नेक्स्ट URL कीवर्ड्स और स्लग या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये दोनों एक ही चीज़ है जिसे हम कई बार परमा लिंक भी बोलते हैं. उस लिंक में, लिंक के एड्रेस में, किसी भी वेब पेज के लिंक के एड्रेस में आपके कीवर्ड्स का यूज़ होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो क्रॉलिंग में इट इज़ फाउंड बाय सर्च इंजन्स. So give the best keywords in the URL that suits the web page, one of the most important ranking factors. Meta description, ये वो पार्ट है जो आपके Google सर्च पर 2 लाइन्स डिस्प्ले होती हैं about any topic, about any niche. So जब भी हम किसी वेब पेज पर ब्लॉग पोस्ट या कुछ भी कंटेंट लिखते हैं तो उससे रिलेटेड मेटा डिस्क्रिप्शन हम ज़रूर डालें अपने एसईओ में, और उसमें अपने कीवर्ड्स का यूज़ करें. मेटा डिस्क्रिप्शन 140 कैरेक्टर्स तक जा सकता है एंड इट शुड डिस्क्राइब बेस्ट अबाउट योर वेब पेज. हेडर टैग्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपने वेब पेज में 6 हेडिंग्स तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, बट H1 टैग की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, H7 की सबसे कम प्रायोरिटी होती है. सो H1 टैग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उस H1 टैग में हमें अपने कीवर्ड को यूज़ ज़रूर करना चाहिए. इट मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन. to give the page title in the H1 tags in your web page with a headline made with the keyword. एक वेब पेज में सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए. ज़्यादा H1 होने से सर्च इंजन गेट्स कन्फ्यूज्ड. अगर दो H1 में उसे दोनों जगह कीवर्ड मिलेंगे तो उससे वो कन्फ्यूज होता है. उससे SEO will get ruined. H2 टैग्स, H2, H3 टैग्स जब आप यूज़ करना चाहें अगर वो सब सेक्शंस में कर सकते हैं अपने पेज के. आप H1 के अंदर जो सब सेक्शंस बनाते हैं उसमें आप H2 यूज़ कर सकते हैं, H3 कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वो टेक्स्ट रिपीट नहीं करना है जो टेक्स्ट आपका H1 में यूज़ हुआ है. आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं बट शुड बी यूज्ड इन द डिफरेंट मैनर. नाउ एक वेब पेज का जो मेन कंटेंट है, जो भी उसकी पोस्ट है, से आपने एक ब्लॉग लिखा, ब्लॉग के अंदर जो कंटेंट लिखा आपने उसके अंदर आप कीवर्ड्स को यूज़ करें. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो कीवर्ड को, सपोज आपका एक कीवर्ड है ब्यूटी टिप्स. सो अगर मैंने इसके ऊपर अलग अलग फ्रेजेस बनाने हैं तो ब्यूटी टिप्स फॉर वुमेन, ब्यूटी टिप्स फॉर मेन, ये दो अलग अलग कीवर्ड फ्रेजेस हैं. सो एक पूरे पेज में मैक्सिमम 4 से 5 बार आपका कीवर्ड रिपीट होना चाहिए. राइट नाउ एक पर्टिकुलर वेब पेज में अगर मेरे पास 300 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम आई कैन यूज़ द रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड 4 टाइम्स. इस रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स को एक पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर हम कहते हैं कीवर्ड कंसिस्टेंसी या कीवर्ड डेंसिटी या फिर कीवर्ड स्टफिंग. इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, अब ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स कहाँ से निकालेंगे हम, उसके लिए यू कैन रेफर इन द डिस्क्रिप्शन. लिंक्स दिए हैं गूगल कीवर्ड प्लानर का और बेस्ट लॉन्ग कीवर्ड फाइंडर का. आप दोनों वीडियोस को देखिए, कंप्लीट डेमोज हैं और कीवर्ड फाइंडर टूल्स हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन. वहाँ से आप एक सेट ऑफ कीवर्ड्स को निकालेंगे जो आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है. राइट और आप उन्हें यूज़ करेंगे अपने वेब पेज में, लेकिन उसे आप चूज़ कैसे करेंगे, आफ्टर फाइंडिंग द सर्च वॉल्यूम्स फ्रॉम द ऑडियंस. जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, मीन्स वो ज़्यादा बार सर्च किए गए हैं, उन्हीं को यूज़ करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग एसईओ. एक वेबसाइट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस हैं उनके अंदर इंटरनल लिंकिंग होनी चाहिए. उसी को हम ब्रेड क्रम्ब लिंक्स भी कहते हैं. वाई, ताकि आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट कम हो जाए. बाउंस रेट से क्या मतलब है कि एक बार किसी यूज़र ने आपका वेबसाइट खोला, एक पेज पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ा और वहीं पर क्लोज कर दिया, तो दैट इज़ बाउंसिंग ऑफ अ वेबसाइट. बट अगर उसे और इंटरनल लिंकिंग मिलेगी से टॉप या बॉटम ऑफ द वेब पेजेस पर, तो वो और वेबसाइट के अंदर सर्चिंग करेगा. सो योर यूज़र शुड स्पेंड अ गुड टाइम ऑन योर वेबसाइट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो breadcrumb links or internal linking reduces the bounce rate by giving breadcrumbs at the top or the bottom of your web page with making the audience easy navigation to their required page. हर इमेज के all tags होते हैं. all tags में keywords use होने चाहिए क्योंकि search engine के जो image bots हैं वो search करते हैं image के all tags को और जहाँ उसे वो कीवर्ड मिलेगा तो वो उस इमेज के थ्रू आपकी वेबसाइट पे जंप करेगा. आपके वेब पेज का जो पूरा कंटेंट है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. आपका कंटेंट यूजफुल होना चाहिए लोगों के लिए और इजी टू रीड होना चाहिए एंड इट शुड बी वैल्यूएबल टू द एंड यूज़र. जो कुछ भी यूज़र सर्च करना चाह रहा था उसे वो आपकी वेबसाइट पे मिलना चाहिए. कीवर्ड्स को हम बिल्कुल राइटली प्लेस करेंगे इन द बिगनिंग ऑफ द मेन बॉडी कंटेंट. ये बहुत ज़रूरी है. Now we'll proceed for the demo. Let's start with the demo. Now I'm jumping to the demo. This is one of the website which I've created only 2-3 months before. If you can see, this is the website of electronics industry and ये उसका blog page खुला हुआ है jtelectronicsdelhi.com. This is the site which I'm using. इसका link आपको description box में मिलेगा. You can go through the entire site. This is a site of electronics. ये उसका blog page है, right? हम इसके blog page पर I'm just showing you there are certain blogs which are written. I'm opening one of the blog, types of car speakers, right? मैंने ये open किया. This is the blog which is written here, you can see, right? Now you can see the blog here. I'm jumping to its admin, backend पे आ रही हूँ मैं इसके, to show you the SEO done of the same page. Now firstly I'll show you the content. ये मेरे main page का content है जो मेरा main body है blog की. Now मैंने इस page का जब SEO खोला, focus की phrases, types of car speakers. This is my chosen keyword for this. This I have chosen from Google keyword planner. आप चाहें तो Google keyword planner का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे कीवर्ड्स को चूज करना है, राइट, अकॉर्डिंग टू द सर्च वॉल्यूम्स. नाउ इसका जो टाइटल है, टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स, सेम मेरा फोकस कीवर्ड है, मींस मैंने कीवर्ड को मेन टाइटल में यूज किया है. नेक्स्ट, इफ यू सी, इसका जहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यू कैन सी बहुत क्लियरली लिखा है यहाँ पर. इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बाइंग कार स्पीकर्स विल बी टाइम टेकिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन केस इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स. टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स ये इसके फर्स्ट पैराग्राफ में बॉडी कंटेंट में यूज हुआ है और पूरे के पूरे पेज में 3 से 4 बार टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स को यूज़ किया गया है, रिपीट किया गया है, क्योंकि मुझे कीवर्ड स्टफिंग रखना है. सिर्फ 4 वर्ड्स 4 बार इन द 300 वर्ड्स, राइट. सो दिस अगेन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. नाउ जंपिंग टू नेक्स्ट पार्ट, एसईओ टाइटल, टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स / टाइप्स ऑफ कार ऑडियो स्पीकर्स विद बास. सो दोनों में किसी ना किसी अलग अलग फॉर्म में मैंने टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स वर्ड को यूज़ किया है, बट द फ्रेजेस हैज़ टू बी डिफरेंट और 65 करेक्टर्स इज द लिमिटेशन फॉर द सेम. स्लग जो हमारा URL होता है उसमें हमें कीवर्ड्स को यूज़ करना है. यू कैन सी टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स यहाँ भी यूज़ किया है. मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है जब भी कोई गूगल पे सर्च करता है ये शो करता है. सो दिस गिव्स द ग्लिम्स ऑफ योर वेब पेज कंटेंट. दिस हैज़ टू बी नाइसली रिटन. आप देखिए इसमें भी यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, लेट अस गिव अ लुक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स. सो टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स यहाँ पे भी कीवर्ड में यूज़ हुआ. अभी तक हमने मेन ब्लॉग के टाइटल में यूज़ किया, फर्स्ट पैराग्राफ में किया, 3 से 4 बार पूरी ब्लॉग पोस्ट में किया, उसके बाद कीवर्ड में किया, देन टाइटल में किया, स्लग में किया और मेटा डिस्क्रिप्शन में किया. इफ़ यू कैन सी, और हमारे पास जो इमेजेस हैं, जो हमारी इमेजेस रहती हैं, ये देखिए ये इमेज जो हमने यूज़ किया है, इस इमेज में भी मैंने यूज़ किया है. इसके ऑल्ट में जाकर जब हम ये इमेज लोड करते हैं तो वहाँ ऑप्शन आता है कि आप इसका ऑल्ट टैग दीजिए, तो वहाँ पर आई हैव रिटन टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स फॉर दिस इमेज विच इज़ माई कीवर्ड. सो यू कैन सी इजीली कि किस तरह से हमने बहुत सारी जगह पर यूज़ किया. Now I have come back to the PPT to show you कि कैसे हमने उस ब्लॉग और इसमें कंपैरिजन करना है। इमेज के ऑल टैग में टाइप्स ऑफ कार स्पीकर्स कीवर्ड यूज़ किया था, टाइटल टैग में कीवर्ड यूज़ किया था, कीवर्ड को मेन पेज की बॉडी में यूज़ किया था, फर्स्ट पैराग्राफ में किया था, ब्लॉग के मेन H1 में जो कि मेरी हेडिंग थी, टाइटल था ब्लॉग का, उसमें यूज़ किया था। सो दिस इज़ माई हेडर टैग। और उस पोस्ट में बहुत जगह पर मैंने लिंक्स क्रिएट किए थे, दैट इज़ इंटरनल लिंकिंग। 3 से 4 लिंक क्रिएट किए हुए हैं टू मूव टू सम अदर पेजेस। और पूरा का पूरा कंटेंट इज रिटन फ्रेश एंड एज पर द कीवर्ड चोजन। सो दिस इज हाउ माई पेज इज ऑप्टिमाइज्ड एज पर द ऑन पेज SEO checklist. I request each one of you to please give your suggestions and feedback in the comment box. I'll come up with the next lecture quite soon. Till then, bye bye, take care, have a nice time.